गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम हिंदी की क्लास में पढ़ेंगे पार्ट 20, सत्य साहस, स्वयं का साहस। बेटा, दुनिया में हम कोई भी काम करें, छोटा हो या बड़ा हो, उस काम को करने के लिए हमें साहस होना चाहिए। वो साहस होगा तभी हम उस काम को पूरी तरह से कर पाएंगे। चलिए, बुक का पेज नंबर है 114। संसार के काम बड़े अथवा छोटे साहस के बिना नहीं होते हैं, है ना। कोई भी काम हम करते हैं तो बिना साहस, बिना हिम्मत के हम उन कामों को नहीं कर पाते हैं। संसार के सभी महापुरुष साहसी थे, बिना किसी प्रकार का साहस दिखाए किसी जाति या किसी देश का इतिहास नहीं बन सकता। अपने साहस के कारण ही अर्जुन, भीम, भीष्म, अभिमन्यु इत्यादि आज हमारे हृदय में जागरूक है, मतलब आज भी हम मन से उनको याद करते हैं। आल्पस पर्वत के विशाल शिखरों को पार करने वाले हनीबल और नेपोलियन का नाम वीरवरों के साथ केवल उनके अतुलनीय, मतलब जिसकी तुलना हम नहीं कर सकते, साहस के कारण ही लिया जाता है। उनमें हिम्मत थी बेटा, जब ही वो आल्पस जैसे इतने ऊंचे पर्वत के शिखर पर पहुंच गए। यह साहस का ही प्रभाव था जिसने तैमूर, बाबर, शिवाजी, क्रॉमवेल, रणजीत सिंह और संग्राम सिंह जैसे सामान्य व्यक्तियों को कुछ से कुछ कर दिया। सत्य साहसी के लिए केवल साहस प्रकट करना ही इन महापुरुषों ने अपने साहस से ही कुछ न कुछ कर दिखाया है। सत्य साहसी के लिए केवल साहस प्रकट करना ही उनकी इच्छा नहीं होती है। सूर्यवंश के एक क्रूर कर्म, मतलब जिसको हम नहीं कर सकते, है ना, बड़े कुकर्म, मतलब जिनको हम करना या उनको हम सोच भी नहीं सकते, ऐसे कामों को करने वाले एक बादशाह थे मोहम्मद आदिल। उनके दरबार में जाने कितने अनगिनत सिर और धड़ों को धरती पर गिरा दिया जाता था। किसके द्वारा? एक मुसलमान युवक के द्वारा। क्या कारण था? यह कारण था कि उस युवक के पिता की जितनी भी जमीन जायदाद थी उस पर राजा ने अपना अधिकार कर लिया था। इसी कारण उस युवक में क्या था? गुस्सा भरा हुआ था, जिस गुस्से के कारण वह अपनी तलवार हाथ में लेते ही लोगों के धड़ और सिर राजा के कहे मुताबिक क्षण भल में ही अलग कर देता है। उसके इस कामों से करते करते युवक मारा गया। क्यों मारा गया, है ना, साहस से। वो तो राजा के दरबार में क्या करता था? राजा की आज्ञा का पालन करता था, लेकिन ऐसे कामों को करते हुए साहस का जो वो काम करता था, उन कामों को करने के दौरान वह युवक मारा गया। उस युवक के मरने से उसके साहस और उसकी निर्भीकता, है ना, कोई भी व्यक्ति निर्भय होता है, बिना डर का होता है, तभी वो कुछ न कुछ करता है। जो व्यक्ति डरा रहता है, सहमा रहता है, वो अपने विचारों को, अपने कार्यों को स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर सकता है। परंतु क्रोधांश, है ना, परंतु गुस्से में अंधा होकर जो कार्य करता है स्वार्थवश, है ना, वो जो मुसलमान युवक था वो गुस्से में अंधा था और अपने स्वार्थ के कारण वो ऐसा साहस कर रहा था। किसी भी प्रकार का कार्य तभी प्रशंसा का होता है जब उसमें हम अपने स्वार्थ को त्याग देते हैं, न कि अपने स्वार्थ के हित में करते हैं। इस प्रकार का जो साहस है वो चोर और डाकू लोग जो होते हैं, जो लुटेरे होते हैं, वो भी कभी कभी कर गुजरते हैं। कभी कभी कुछ राजा महाराजा भी होते हैं, है ना, जो अपनी
बुरी इच्छाओं को कुछ से मतलब होता है बुरी बुरी इच्छाओं को पूरी करने के लिए कभी कभी इससे भी ज्यादा बड़ा साहस कर देते हैं। ऐसा जो साहस होता है वो नीच श्रेणी का सबसे नीच श्रेणी का साहस कहलाता है। मध्यम श्रेणी का साहस, ये साहस प्राय शूरवीरों में पाया जाता है। यश उनके उच्च विचार और निर्भीकता को भलीभांति प्रकट करता है। जो शूरवीर होते हैं उनमें भी प्राय जो साहस पाया जाता है वो मध्यम श्रेणी का होता है। उस साहस से हमें उनके ऊंचे विचार और उनके निर्भय होने का भलीभांति पता चलता है। इस प्रकार के साहस वाले मनुष्य में बेपरवाह है ना, वो किसी की परवाह नहीं करते हैं। स्वार्थहीनता, उनमें अपने स्वार्थहीनता की कमी बिल्कुल भी नहीं होती है, परंतु उनमें एक चीज कम होती है, वह क्या है? ज्ञान की कमी। अकबर बादशाह के पास मध्यम श्रेणी के साहस को हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। अकबर बादशाह के पास दो युवक नौकरी के लिए आए। अकबर ने उनसे पूछा कि तुम क्या कर सकते हो, है ना, काम मांगने आए हो तो तुम कौन सा काम कर सकते हो। तब वो युवक बोले कि हम आपको बोलकर दिखाएं कि कहकर दिखाएं। तब राजा अकबर बोले आप कर दिखाइए। राजा की आज्ञा का पालन कर दोनों युवक घोड़े पर सवार हुए। घोड़े की लगाम को खींचते हुए तेज गति से दौड़े और मैदान में जाकर एक दूसरे पर वार करने लगे। घोड़े पर सवार होते हुए एक दूसरे पर वार पर वार, वार पे वार, वार पे वार करते रहे। तब तक उन्होंने एक दूसरे पर वार किया जब तक दोनों मरकर या ठंडे होकर जमीन पे न गिर गए। इस प्रकार का जो साहस होता है बेटा वो मध्यम श्रेणी का साहस होता है। इस साहस में ज्ञान की कमी कैसे होती है? वो दोनों शूरवीर थे पता चलता है ना, लेकिन वो चाहते तो अपने प्राणों की आहुति न देते हुए है ना, अपने कार्यों के द्वारा अपने ज्ञान के द्वारा भी क्या करते, अपने साहस को प्रकट कर सकते थे। अब आता है बेटा सर्वोच्च श्रेणी का साहस। सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए हाथ पैरों की बलिष्ठता, मतलब हाथ पैर मजबूत या हाथ पैरों में ताकत होना जरूरी नहीं है। धन का और मान इज्जत का भी होना जरूरी नहीं है, उसके लिए केवल एक ही गुण होना चाहिए, वह है हृदय की पवित्रता, है ना। उनका जो मन है वो पवित्र होना चाहिए तथा उदारता और चरित्र में दृढ़ता। मन पवित्र हो, बड़ा मन हो और उनका जो चरित्र है वो दृढ़ हो, है ना, छोटी छोटी बातों में विचलित नहीं हो जाए। ऐसे गुणों से प्रेरणा उत्पन्न करके जो साहस पूर्ण होता है ना, वह भी प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता। मान लीजिए उनमें हृदय में पवित्रता भी है, मन बड़ा भी है, चरित्र भी उनका दृढ़ है, फिर भी हम इस साहस को पूरा साहस नहीं कहेंगे, फिर भी हम ऐसे साहस की प्रशंसा नहीं कर सकते। क्यों क्यों नहीं कर सकते? जब तक उनमें एक और गुण सम्मिलित न हो, एक और गुण अगर उसमें नहीं हो तब तक हम उस साहस को पूर्ण नहीं कह सकते। वह गुण कौन सा है? कर्तव्य परायणता। कर्तव्य परायण का मतलब होता है अपने कर्तव्य का पालन करना या अपने कर्तव्य के पालन का भाव होना, उसका ज्ञान होना। कर्तव्य का विचार प्रत्येक साहसी मनुष्य में होना चाहिए। इस विचार से शून्य होकर जिस साहसी के अंदर यह गुण नहीं है वह अपने कर्तव्य से अनभिग्न का मतलब होता है बेटा अनभिज्ञ का अनजाना, है ना। जिस व्यक्ति में कर्तव्य परायण का गुण नहीं होता है वह व्यक्ति
अनजान होता है। कैसे अनजान होता है? परोपकार परायण से, या समाज के हित चिंतक, समाज का जो हित करने वाले, समाज की जो चिंता करने वाले लोग हैं, उन्हें भी यह नहीं कहा जा सकता। अगर वो समाज की चिंता करते हैं तो उन्हें कर्तव्य परायणता का भाव भी होगा और वो परोपकार परायण भी होंगे। बिना इस विचार के मनुष्य न तो अपने परिवार का भला कर सकता है। अगर कर्तव्य परायण का या परोपकार का गुण व्यक्ति में नहीं होगा तो वह न अपने परिवार का भला कर सकता है, न अपने शरीर का, न अपनी आत्मा का उपकार कर सकता है। कर्तव्य का ज्ञान शून्य जिस मनुष्य का होता है, उस मनुष्य को बेटा मनुष्य नहीं पशु समझा जाता है, है ना। ऐसा मानव जिसे यही नहीं पता कि मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, केवल वह बिना किसी उद्देश्य से अपना कार्य कर रहा है ना। ऐसा पशु और मानव में कोई अंतर नहीं होता है ना बेटा। पशुओं को क्या होता है, ले जाते हैं, फिर वो इधर उधर चले जाते हैं, फिर उन्होंने लकड़ी से मारते हैं, फिर वो सही रास्ते पर चलते हैं। तो क्यों? क्योंकि उन्हें ही अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं है। इसके बाद पढ़ते बेटा उच्च कोटि के साहस के बारे में। उच्च कोटि का जो साहस होता है उसमें कर्तव्य परायण बनना परमा आवश्यक होता है, मतलब बहुत जरूरी होता है। उच्च कोटि के साहस वाले जो व्यक्ति होते हैं वह कर्तव्य परायण अवश्य होते हैं। कर्तव्य परायण व्यक्ति के हृदय में यह बात अवश्य होनी चाहिए कि जो कुछ भी मैंने किया है वह केवल अपना कर्तव्य समझकर किया है। इसे भी हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। मारवाड़ के मोरूदा गांव का एक जमींदार था बेटा, उसका नाम था बुद्धन। किसी झगड़े के कारण वह अपना देश छोड़कर जयपुर चला गया था और वहीं पर बस गया। थोड़े ही दिनों बाद मराठाओं ने, जैसे ही बुद्धन अपना देश छोड़कर जयपुर गया, उसके कुछ दिनों के बाद मराठाओं ने मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया। यह सूचना बुद्धन को मिली, है ना, तब मिली जब बुद्धन बिल्कुल तरह से मारवाड़ छोड़ चुका था। वह जयपुर में ही रहने लगा था, अपनी जीविका चलाने लगा था, वहीं पर वो बस गया था। लेकिन फिर भी शत्रुओं के आक्रमण की जब उसे सूचना मिली, जब उसे ये लगा कि मेरा देश किसी संकट में है, तो उसका जो रक्त था, उसकी जो देश प्रेम, जो अपने स्वदेश के प्रति जो प्रेम था, वह जाग गया और स्वदेश की भक्ति ने उसे यह बता दिया कि अपने घरेलू जो झगड़े छोड़कर वो अपना देश छोड़कर चला गया था, वह सब को वो भूल जाए और उठकर अपने कर्तव्य का पालन करे। इस विचार ने उसे इतना मतवाला बना दिया था, इतना प्रबल उसकी देशभक्ति थी कि वो झगड़े वगड़े सबको भूल गया और तुरंत उसने 150 साथियों को इकट्ठा किया और उन्हें लेकर चल दिया। तब देश में सारी दूर मराठा लोग फैले हुए थे, उनके बीच से निकल पाना बड़ा ही कठिन काम था, है ना। लेकिन फिर भी अपने मुट्ठी भर साथियों को लेकर बुद्धन वहां से निकल ही रहा था कि मराठाओं से उसका सामना हो गया। रणभेदी में, युद्ध के अग्नि, रणभेदी मतलब युद्ध, युद्ध रूपी जो अग्नि कुंड था उसमें बुद्धन अपने साथियों सहित कूद गया और उसमें उसके कई साथी मारे गए, कुछ साथी और बुद्धन स्वयं बच गए। वह वहां से निकलकर अपने देश और अपने राजा की सेवा के लिए पहुंच गए। इस घटना को हुए बहुत दिन हो गए हैं, परंतु आज भी राजपूत जाति बुद्धन के कर्तव्य
परायण के लिए आज भी उसे याद करती है और महत्व देती है। राजपूत महिलाएं हैं आज भी बुद्धन और उसके वीर साथियों की वीरता के गीत गाती है। मोरुदा गांव में आज भी एक स्तंभ है बेटा उन वीरों की याद में। इतिहास वक्ताओं के हृदय के मन को उत्साहित करता है। वो जो यादगार स्तंभ खड़ा है वह इतिहास बनाने वालों इतिहास के बारे में बताने वाले जो वक्ता हैं बेटा उनके मन को आज भी वह उत्साहित करता है। इन गुणों के अतिरिक्त है ना सत्य साहसी के लिए हमने नीच श्रेणी का साहस पढ़ा, मध्यम श्रेणी का साहस पढ़ा, सर्वोच्च श्रेणी का साहस पढ़ा, उच्चतम श्रेणी का साहस पढ़ा। अब पढ़ने जा रहे हैं बेटा हम सत्य साहस के बारे में जिन्हें लोग बड़े उत्साह से कहते हैं। सत्य साहसी के लिए स्वार्थ त्याग होना बहुत जरूरी है। जो सत्य साहसी व्यक्ति होते हैं वो अपने स्वार्थ का पूरी तरह से क्या करते हैं छोड़ देते हैं। उनका स्वार्थ कहीं भी उनके कार्य में उनके आड़े नहीं आता है। इस संसार में ऐसे कई हजारों लोग हैं जो बड़े बड़े काम करते भी हैं और सुनते भी हैं, पर उन कामों को वो बहुत अच्छा समझते हैं, उनके करने वालों को भी अच्छा समझते हैं, परंतु उन कामों में थोड़े से ही ऐसे काम हैं जो स्वार्थ से खाली है। बाकी लोग बड़ी बड़ी डिंगे हाँकते हैं है ना, अपनी बढ़ाई अपनी प्रशंसा वो स्वयं ही करते हैं क्योंकि उनमें स्वार्थ होता है। लेकिन जो सत्य साहसी होता है वो अपने गए किए कार्यों का ना तो बखान करता है न ही उसमें अपना स्वार्थ रखता है। असामान्य साहस प्रकट करने के लिए आत्मोत्सर्ग नहीं होता है। आत्मोत्सर्ग का मतलब होता है स्वयं का बलिदान करना, आत्मा अपना स्वयं का बलिदान करना। असामान्य साहस जब प्रकट होता है तो उसमें व्यक्ति अपने स्वयं का बलिदान करने के बारे में भी नहीं सोचता है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो लोग करते हैं, बड़े बड़े काम क्यों करते हैं, यश पाना चाहते हैं, मान पाना चाहते हैं, सम्मान पाना चाहते हैं। सत्य साहसी व्यक्ति में एक गुप्त शक्ति होती है जिसके बल से वह दूसरे मनुष्य को दुख से बचाने के लिए है ना, कोई व्यक्ति दुखी हो या उसे कोई दुख हो तो उसके दुख को दूर करने के लिए वो अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते हैं। धर्म जाति देश और परिवार वालों के लिए ही नहीं किंतु कोई संकट में पड़ा हुआ अनजान व्यक्ति ना उसकी उनसे जान है ना पहचान है नहीं कोई रिश्तेदारी है, सत्य साहसी लोग ऐसे लोगों की भी सहायता कर देते हैं और उनको संकट से निकाल देते हैं। अपने प्राणों की भी वह परवाह नहीं करते हैं। हर प्रकार के क्लेशों को प्रसन्नता पूर्वक है ना बेटा, जब हम किसी के बारे में करते हैं तो कुछ कोई लोग अच्छा कहते हैं कोई बुरा करते हैं, तो सत्य साहसी जब दूसरों को के बारे में परमार्थ के बारे में सोचते हैं या परमार्थ का कार्य करते हैं तो वो लोगों की कही गई बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि लोग क्या करेंगे लोग क्या कहेंगे मैं ऐसा करूंगा, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। सत्य साहसी के लिए अवसर की राह भी नहीं होती, वो ना किसी का मौका देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि अरे मैं इसकी जान बचाऊं तो कोई मेरे को देख रहा है कि नहीं, कोई मेरे को देखे तो मैं इसकी जान बचाऊं, कोई नहीं देखे तो मैं इसको वहीं मरने के लिए छोड़ दूं, ऐसा नहीं, वो किसी अवसर की भी प्रतीक्षा नहीं करते हैं। जीवन के पल पल में आया अवसर है ना, व्यक्ति के जीवन में जो अवसर आता है वह ऐसा अवसर जिसको वह उपयोगी या परोपकार में लगाए, ऐसा अवसर हर मनुष्य के जीवन में आता है, लेकिन उस अवसर का लाभ वही व्यक्ति उठा पाते हैं जो सत्य साहसी होते हैं। देश काल और कर्तव्य का विचार करना चाहिए, स्वार्थ रहित होकर
साहस न छोड़ते हुए कर्तव्य परायण बनने का प्रयत्न भी करना चाहिए। बेटा व्यक्तियों को सत्य साहसी होना चाहिए और अपने देश, अपने परिवार, अपना धर्म, अपनी जाति सभी के कार्य करने के लिए कर्तव्य परायण का गुण अवश्य होना चाहिए। हमने ये जो पार्ट 20 पढ़ा है सत्य साहस, बेटा ये लिखा है गणेश शंकर विद्यार्थी ने, ये इनके लेखक हैं। मैंने आपको पूरा पाठ समझा दिया है, अब यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप मुझे मैसेज के द्वारा बता सकते हैं या मुझसे कॉलिंग पे बात कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।